Welcome to all of you, my online classes, the Funka Live classes. Today I'm here with a new topic, that's a fraction. Fraction is very important for class 6 and 7 and for higher classes also. तो आज हम लोग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे. फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन किसे कहते हैं और फ्रैक्शन के इंट्रोडक्शन को आज हम लोग जानेंगे. आज हम आपको इसका इंट्रोडक्शन बनाने वाले हैं. इंट्रोडक्शन यानी आज हम परिचय करेंगे कि फ्रैक्शन क्या है. फ्रैक्शन के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है. वी विल कम टू नो अबाउट फ्रैक्शन टूडे, व्हाट इज फ्रैक्शन एंड व्हाट इज. तो फ्रैक्शन समझाने से पहले हम आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहते हैं. थोड़ी सी एक एग्जांपल ले लीजिए. मान लीजिए कि आपका क्लास में एक बच्चे ने क्या किया, एक ब्रेड का टुकड़ा यानी रोटी का एक टुकड़ा लाया, ठीक है. तो ही वॉज अलोन देयर यानी उसको मान लीजिए कि ये एक क्या है, रोटी का एक टुकड़ा है यानी ब्रेड है, मान लीजिए. नाउ अब क्या किया कि वह चाहता है कि शेयर करे, ठीक है. अब वह चाहता है कि इस रोटी को यानी हम कुछ भी लाते हैं लंच में तो हम शेयर करना चाहते हैं. तो उसने क्या किया कि अपने क्लोज फ्रेंड को उसका एक भाग जो है दे दिया, आधा आधा दे दिया, ठीक है. तो पहले उसके पास क्या था, एक पूरा कंप्लीट भाग था उसके पास. अब उसके पास क्या हुआ, क्योंकि वो अपने दोस्त को दे दिया तो अब उसके पास क्या बचा, एक का आधा यानी एक बट्टे दो भाग बचा, यानी दो भाग का अब क्या बचा. अब पहले था एक भाग पूरा था, अब ये कितना भाग बच गया, एक और दो, दो पार्ट हो गया. तो दो पार्ट यानी दोनों दोनों जो हुआ वह दोनों एक एक पार्ट हो गया. तो ये दोनों मिलाकर के हो गया दो पार्ट. अब दो पार्ट का एक भाग जो है उसके पास है. उसी समय क्या होता है कि और दो फ्रेंड वहां पे आ जाते हैं. अब वो कहता है कि हमें भी चाहिए और आपको भी देना चाहिए. इस स्थिति में क्या करते हैं, हम उस ब्रेड के टुकड़े को भी क्या करते हैं, दो अलग अलग, यानी हमने जो दोस्त को दिया था वो भी एक भाग दे दिया और हमने भी जो दो भाग था उसको भी दो भाग दे दिया. अब हमारे पास कितने भाग हो गए, टोटल हो गया हमारे पास चार पार्ट हो गए. अब चार पार्ट में एक व्यक्ति को कितना मिलेगा, एक ही पार्ट मिलेगा. तो ये जो कहलाता है, यही कहलाता है फ्रैक्शन. यानी फ्रैक्शन क्या होता है कि हम किसी भी जो पूर्ण होता है हमारे पास, जो भी एक संपूर्ण होता है उसका जो भाग होता है. मान लीजिए हमारे पास एक रोटी था, पूरा पूरी एक ब्रेड था, एंड नाउ व्हाट वी हैव, अब उसका हमको चौथा भाग है, यानी चौथा का एक भाग है, क्वाड्रेंट पार्ट है, यानी एक भाग जो है चौथाई भाग है हमारे पास. यानी सो वी कैन से अर्लियर वी हैड अ कंप्लीट ब्रेड, बट नाउ आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग फोर फ्रेंड्स इक्वली व्हाट वी गॉट, चार भाग का एक भाग हमको मिला. तो ये क्या कहलाएगा, चौथाई पार्ट कहलाता है. यानी एक भाग मिला किसका, चार भाग का, क्योंकि हमने इसको बांटा. तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है. फ्रैक्शन में आप गौर से कभी कभी देखिएगा कि आप लोग का एग्जाम में क्या होता है कि 100 नंबर का क्या होता है, मार्क्स होता है ना, 100 मार्क्स का होता है. अब किसी बच्चे को क्या किया, उसको आया 40 नंबर, तो 40 नंबर आया, ठीक है. तो उसको हम फ्रैक्शन में कैसे दिखाएंगे, तो 40 नंबर आया कितने का, 100 का. जो टोटल होता है कोई भी चीज की, जो टोटल एबिलिटी होती है, टोटल जो परसेंटेज होता है, टोटल जो भी कुछ होती है, क्वांटिटी होती है, जो भी कुछ होता है, उसको हम एज अ नीचे की ओर रखते हैं, बताएंगे नीचे वाले क्या बोलते हैं. और ऊपर जो होता है जो हम एक्चुअली में प्राप्त करते हैं. तो जैसे यहाँ पे क्या हुआ था कि हमने चार भाग में बांट दिया, तो टोटल हमारे पास कितना था, चार पार्ट था ब्रेड का, लेकिन उसमें से हमको कितना मिला, मात्र एक भाग. तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं. ये फ्रैक्शन का बेसिक चीज है, उसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है. अब इसमें क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए. अब देखिए, हम फ्रैक्शन की डिफिनेशन को जानने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसकी डिफिनेशन को जानेंगे. तो इसको हम अपने तरीके से इस तरह से लिखेंगे कि when a number is written, when a number is written in the form of, you can say in the form of P by Q, ठीक है, where P and Q are, what are, these are natural numbers. तो जब हम P और Q को लिखते हैं, जहां पे P और Q हमारे पास क्या है, ये दोनों जो है, जब हम किसी संख्या को आप P by Q के रूप में देखते हैं और P और Q क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, तो इस तरह की फॉर्मेशन को ही हम फ्रैक्शन में कहते हैं. अब यहाँ पे क्या होता है,
पी यहां लिख देंगे कि पी इज हियर, पी क्या है, पी इज हियर एज न्यूमरेटर, क्या कहलाता है, क्यू को हम न्यूमरेटर कहते हैं जिसको इंडिकेशन करते हैं एन से, ठीक है, एंड क्यू इज हियर एज डिनोमिनेटर, डी को, यानी क्यू को हम क्या कहते हैं, एज ए डिनोमिनेटर जिसको हम डी से इंडिकेशन करते हैं, ठीक है। तो अगर हम अगर कोई नंबर लिखेंगे और आपको पूछेंगे इसमें न्यूमरेटर क्या है डिनोमिनेटर क्या है तो समझा देंगे। तो मान लीजिए कि हमने लिखा 3/4, ठीक है, एग्जाम्पल एज ए समझने का प्रयास कीजिए। तो आप देखिए कि 3 और 4 दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है ना, दोनों नेचुरल नंबर है, और इसमें इसको 3 को क्या कहलाएगा, 3 कहलाएगा हमारा न्यूमरेटर, क्या कहलाएगा, न्यूमरेटर, और हमारा जो 4 कहलाएगा वो कहलाएगा हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जानना, ठीक है। अब देखिए देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस आर देयर, तो बेसिकली पहले हमको फ्रैक्शन क्या है उसको समझने का प्रयास कीजिए। फ्रैक्शन क्या है कि पार्ट है किसी भी चीज का, यानी जब हम किसी कंप्लीट जो है किसी क्वांटिटी के बारे में जानते हैं तो उसका जो भाग हमको ज्ञात करना होता है, यानी उसका वह भाग क्या कहलाता है जिसको फॉर्मेशन में लिखते हैं वो कहलाता है उसका फ्रैक्शन। यानी मान लीजिए कि अगर हमको 10 रुपया है और उसमें से 5 रुपया हमारा खर्च हो गया तो हमारे पास जो बचा, तो हमारे पास कितना बचा, 5 रुपया, कितना में, 10 रुपया में, तो ये कहलाएगा हमारा फ्रैक्शन, ठीक है, अनुपात कहलाता है इसको, हम लोग फ्रैक्शन में इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। यानी फ्रैक्शन वाला एडिशन भी होता है, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन भी होता है, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस आर देयर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। चलिए अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एक होता है पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, ये सारे हम लोग जानेंगे। तो पहला हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो अ फ्रैक्शन यानी कोई एक ऐसा फ्रैक्शन पी बाई क्यू के फॉर्म में या ए बाई बी के फॉर्म में लिखी कोई ऐसी संख्या जिसका न्यूमरेटर जो होगा, न्यूमरेटर जो होगा विच विल बी इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर की संख्या क्या होगी, जो होगी वह ज्यादा होगी किससे, न्यूमरेटर से, तो डिनोमिनेटर से क्या होगा वो कम होगा, यानी फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम एग्जांपल के रूप में लिखते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे 4 लिखे एज ए न्यूमरेटर है, तो डिनोमिनेटर से तो कम है, तो इसका डिनोमिनेटर क्या हो सकता है, 4 से ज्यादा, यानी हम इसको 5 लिख सकते हैं। तो 4/5 अगर इस फॉर्मेशन में आता है कि जिसका डिनोमिनेटर जो होगा क्या होगा, ज्यादा होगा न्यूमरेटर से, वो कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी फिर से इसको देखिए, कहता है कि फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, यानी उसके अपने डिनोमिनेटर से क्या होता, कम होता। अगर मान लीजिए ये 8 है तो क्या यहाँ पे 7 होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर कम हो जाता है न्यूमरेटर से, लेकिन यहाँ तो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से कम है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 9 हो सकता है ना। अगर यहाँ पे हम 13 लिखते तो यहाँ पे 15 लिख सकते हैं। तो इस तीनों कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि ऊपर का जो न्यूमरेटर है ये n है और ये डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर क्या है, 4 जो है वो 5 से छोटा है ना। इसी प्रकार देखिए 8 जो है वो 9 से छोटा है, इसी प्रकार देखिए 13 जो है 15 से छोटा है। तो इस तरह की जो फ्रैक्शन आएगी उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। आई होप यू मेट हैव अंडरस्टूड। दूसरा है, यहाँ देखते हैं हम दूसरे चीज को देखते हैं, अब लिखा हुआ है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जस्ट इसका इनवर्स कहिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या हुआ कि अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर जो है जिसका इज ग्रेटर देन, यानी क्या है, बड़ा है किससे, और इक्वल, यानी बड़ा भी हो सकता है या इक्वल हो सकता है किसके, उसके अपने डिनोमिनेटर से। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, तो मान लीजिए अगर हम 8 लिखते हैं तो इसका डिनोमिनेटर क्या हो सकता है, 8 से छोटा हो सकता है या 8 भी हो सकता है। तो हम अगर 8/7 लिखेंगे तो ये कहलाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। दूसरी ओर कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि लेते हैं 1, तो इसका क्या हो सकता है, 1 का कोई निकलेगा नहीं, तो 1 का उससे छोटा तो बनेगा नहीं, या फिर इसके बराबर आ सकता है। तो 1/1 हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वह इक्वल भी हो सकता है। अगर यहाँ पे हम लिखेंगे 12 तो ये कितना हो सकता है, 10, अगर जिसका न्यूमरेटर देख रहे हैं आप गौर से कि न्यूमरेटर जो है वह क्या है, डिनोमिनेटर से ज्यादा है, तो व्हेन न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर दैट फ्रैक्शन इज यूज्ड टू बी सेड एज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। द थर्ड वन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम लोग यहाँ देखेंगे क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्या है, यानी ये मिक्स्ड है,
किसके साथ? तो देखिए मिक्स है, कैसे मिक्स है, तो कहता है कि अ कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन है किसका, ऑफ अ होल नंबर। तो होल नंबर किसे कहते हैं, कि ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, यानी जीरो से लेकर के अनंत अंक की जो भी संख्या हम यूज करते हैं वे सभी क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाती है। तो इसमें जीरो का भी उपयोग हो सकता है। तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जिसका क्या होगा, न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से कम होगा, तो इज कॉल्ड अ मिक्स फ्रैक्शन। तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन होता है तो सबसे पहले हम एक प्रॉपर फ्रैक्शन देखिए। मान लीजिए कि चार है और ये आठ है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन कर रहा है। तो यहाँ पे हम मान लीजिए कि अगर लिख दिए थ्री, तो क्या हो गया, इस तरह की जो है कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर विथ प्रॉपर फ्रैक्शन को कहलाता है मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वन होल टू बाय अगर हम फोर लिख दिए तो ये क्या कहलाएगा, मिक्स फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने वन और थ्री क्या हुआ, होल नंबर को लिया मैंने, है ना, और टू बाय थ्री क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर क्यों कम है डिनोमिनेटर से, तो ये कहलाएगा आपका मिक्स फ्रैक्शन। आप यहाँ पे एट अपॉन, आप यहाँ पे क्या नाइन बाय, आप 12 भी ले सकते हैं, क्योंकि 9 जो है वो 12 से बड़ा है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन, और होल नंबर हमने ये लिया। तो इस तरह की फ्रैक्शन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम जानेंगे लाइक फ्रैक्शन क्या है। अब देखिए अगला है हमारा फोर्थ नंबर है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन माने क्या होता है, जो लाइक माने होता है कि जैसे कि एक समान हो, इसमें कुछ ना कुछ जो है एक ही जैसे, अलाइक टू ईच अदर, नहीं जैसे एक दूसरे की तरह। तो इसमें भी क्या होता है कि बहुत सारे जब हम फ्रैक्शन को लिखते हैं एक साथ, मान लीजिए तीन चार पांच नंबर्स को लिखते हैं, और सारे नंबर का डिनोमिनेटर क्या होता है, अगर सेम टू सेम होगा, तो उस तरह की फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन। जैसे कहता है कि अ ग्रुप ऑफ, या सीधे कह सकते हैं फ्रैक्शंस, नो फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर इज सेड टू बी लाइक फ्रैक्शन। या हमने इस तरह से लिख सकता है कि अ ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर विल बी सेम इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि 1 बाय 4 हमने लिखा, 3 बाय 4 हमने लिखा, 8 बाय हमने नहीं आ सकता है, अगर हम यहाँ पे लिख देंगे 2 बाय 4 तो ठीक है। इसमें आप देखिए गौर से कि तीनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो इस तरह के डिनोमिनेटर को हम लोग क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं 9 बाय 12, है ना, 10 बट्टे 12, ठीक है, 11 बाय 12, ये तीनों अलग अलग फ्रैक्शन है, लेकिन तीनों का डिनोमिनेटर देखिए क्या है, तीनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो इस तरह की जो फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। वहीं दूसरी ओर अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन में क्या है कि फ्रैक्शन हैविंग क्या होता है, अ फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स इज कॉल्ड, जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ले लिए 1 बाय 4, ठीक है, ये हो गया 3 बाय 8, ये हो गया 9 बाय 12, तो इस तरह से देखिए क्या है, इसका अलग अलग है, ये 4 है, ये 8 है, ये 12 है, तो इस तरह के ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, अलाइक फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 12 बट्टे हम लिख दिए 13, 14 बट्टे लिख दिए 16, है ना, 8 बट्टे लिख दिए हम 10, तो इस तरह की फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही, इससे आगे हम इसके आप बताएंगे आपको अगले पार्ट, अगले वीडियो में बताएंगे कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, बहुत सारी चीज़ बताएंगे। तो आगे का वीडियो देखने के लिए आप इसको लाइक करें।